Hey guys, hi, welcome back to my channel. So in today's video, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी NYB लिपस्टिक का एक मिनी रिव्यू एंड अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि वो लिपस्टिक मुझे कैसे लगी. बाय द वे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NYB लिपस्टिक जो है एक्सक्लूसिवली purple.com पर ही आपको मिलेंगी, किसी और वेबसाइट या किसी और शॉप पर आपको वो नहीं मिलेंगी. जो भी लिपस्टिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उनके शेड्स वगैरह एंड जो purple.com की जो साइट है, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो अगर मैं इन लिपस्टिक्स की बात करूँ कि ये लिपस्टिक्स मैं बहुत पहले से ही यूज़ करते आ रही हूँ, आपने कई मेरी वीडियोस में भी देखा होगा एक आधा शेड मुझे यूज़ करते हुए, तो मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ करते आ रही हूँ. एंड क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लिपस्टिक है. मतलब इतना चीप प्राइस पे एंड इतनी गुड क्वालिटी के लिपस्टिक. अगर इन लिपस्टिक्स की मैं आउटर पैकेजिंग को किनारे रख के सिर्फ इनकी क्वालिटी की बात करूँ कि जो इनसाइड से जो हमें क्वालिटी मिलती है, जो अंदर हमें लिपस्टिक की जो क्वालिटी मिलती है वो कैसी है, तो ये एग्जैक्ट जो कलर बार और जो मेबलिन की 500-600 की लिपस्टिक्स होती हैं, ये बिल्कुल उनको टक्कर देती है क्वालिटी वाइज, क्योंकि मैंने मेबलिन की भी लिपस्टिक यूज़ की हुई है. इसकी और उसकी क्वालिटी में कोई बहुत खास डिफरेंस कुछ नहीं लगा, बस वो ये है कि उनकी जो पैकेजिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है. तो इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इतनी स्मार्ट नहीं है, बहुत बेसिक सी पैकेजिंग इन्होंने दी है. ब्लैक कलर की आपको प्लास्टिक पैकेजिंग मिलेगी एंड पैकेजिंग भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत मतलब ठीक ठाक क्वालिटी है. ठीक ठाक भी मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं आपको एक लिपस्टिक दिखाती हूँ कि शायद आपको यूट्यूब पर और भी वीडियोस मिल जाएंगी इन लिपस्टिक्स के रिव्यूज़ की, बट किसी ने शायद ये चीज़ ना मेंशन की हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ. मतलब पैकेजिंग में अगर ये थोड़ा सा इन्वेस्ट करते, भले इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देते, पैकेजिंग में थोड़ा सा जो है इन्वेस्ट कर देते मनी, तो अच्छा रहता. क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद क्या होने लग जाता है, जब ये पुरानी थोड़ा सा पुरानी मतलब 15-20 दिन बाद आप इसको यूज़ करने लग जाओगे, तो इनकी पैकेजिंग नीचे से इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी. तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रैवल फ्रेंडली मुझे नहीं लगती, क्योंकि जब भी मैं इसको अपने बैग में कैरी करती हूँ तो ये चीज़ या तो इसकी इस तरह से निकल जाती है, या फिर इसका जो ऊपर वाला कैप है ये भी कुछ टाइम बाद थोड़ा सा लूज़ होने लग जाता है. ये इतना लूज़ नहीं होता, बट इसका जो ये बॉटम की जो पैकेजिंग है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. बट अगर क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ तो ये जो लिपस्टिक है इनकी जो क्वालिटी है वो कलर बार और मेबलिन की लिपस्टिक्स की जो हमें मिलती हैं वैरायटीज़ 500-600 की रेंज में, उनको आराम से ये बीट कर देती है. तो मैं आपको शेड जल्दी से दिखा देती हूँ. हैंड की पैकेजिंग यहाँ पर आपको NYB जो है इस तरीके से सिल्वर कलर से लिखा मिलेगा, एंड नीचे की साइड आपको यहाँ पर इसका जो बॉटम साइड है वहाँ पर आपको इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर नहीं है, इसका ग्राम मिलेगा कि ये कितने ग्राम की है. 4.2 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन है, अगर आपको दिख रहा होगा तो. तो ये मेरे पास एक कॉफ़ी ब्राउन कलर का शेड है, ये मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है. कई सारी मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने ये कलर कई बार जो है वियर किया है. तो ये है इसका शेड, मैं आपको सारे शेड्स दिखा देती हूँ. हैंड स्वेचेस सारे हैंड स्वेचेस दिखा दिए, एंड पिगमेंटेशन वाइज भी आपको हैंड स्वेचेस देख के पता लग ही गया होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है इन लिपस्टिक का. मतलब एक बारी में आपको कितना सही वाला कलर पिगमेंट मिल रहा है. एंड ये मुझे बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही रिसीव हुई थी, बस इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर था, जो कि एक प्लास्टिक पैकेजिंग हर एक के ऊपर आती है कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बट उसके अलावा कोई अलग से कार्डबोर्ड पैकेजिंग इन लिपस्टिक्स की नहीं थी. एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही रिसीव हुई हैं. थोड़ा सा बस मैं इसकी जो है प्लास्टिक जो भी इन्होंने यूज़ किया है मटेरियल, उससे मैं थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटेड हूँ, बट उसके अलावा ओवरऑल दीज आर अमेजिंग लिपस्टिक. मतलब इनकी क्वालिटी, इनका कलर, इनका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो अब बात कर लेते हैं इनके स्टेइंग पावर की, कि ये स्टेइंग पावर इनकी कितनी है. तो ये जो है आराम से 4-5 घंटे आराम से टिक जाती हैं लिप्स के ऊपर, कहीं नहीं जाती बिल्कुल भी, और कोई ब्लीड वगैरह कुछ नहीं होती है. मैं बात करती हूँ इसके प्राइस की, तो वैसे ये अंडर 100 रुपीज में ही आपको हमेशा मिलेंगी. जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो इनका प्राइस आई थिंक 125 रुपीज से इनकी स्टार्टिंग हुई थी, बट अब आज की डेट में अगर आप बात करोगे इनके प्राइस की तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है. मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है. मुझे तो ये लिपस्टिक 65 रुपीज़ में मिली थी, क्योंकि आप देखेंगे purple.com पे, मैंने आपको प्रीवियस कई वीडियोस में भी ये चीज़ मेंशन की है कि अगर आप वहाँ देखेंगे कि आपको वहाँ तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सेल्स एंड डिस्काउंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर. तो अगर आपको ये 65 रुपीज़ तक में नहीं भी मिल पाती है तो फिर भी आपको 70-80 रुपीज़ में मिल जाएंगी, क्योंकि हमेशा इनके NYB के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट वहाँ चलता रहता है. तो मैं आपको एक बार इसको लगा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की लगती है लगाने के बाद.
किया, मैंने आपको लगा के दिखाया कितना स्मूथली जो है ग्लाइड कर रही थी लिप्स के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, एक लिपस्टिक लवर है ऑब्वियसली यार, गर्ल्स को तो लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक कि सभी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो अगर आप लिपस्टिक लगाने का शौक रखते हैं बट अगर आपका बजट नहीं है, आपको लगता है यार मेरे को कलेक्शन तो बनाना है बट मेरे पास इतना ज़्यादा हैवी बजट नहीं है, तो आप मतलब 300-400 के अंदर ही अपने बहुत सारा कलेक्शन इन लिपस्टिक्स का बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप खरीदना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दिस, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ये परफेक्ट है लिपस्टिक। सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ, तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।